स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भविका पाठक व्लॉग्स में। तो गाड़ियों, आप जिसके पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो और आपने टाइटल थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम आए हैं न्याय की देवी कोटगाड़ी माता को किला माता के मंदिर, और गाड़ी आ रही है तो गाड़ियों यहाँ पर पैक हो रही है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं दगड़े और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको अभी मौसम भी दिखा दूँगी। फिलहाल यहाँ पे हैं हमारे ताई जी और ताऊ जी, जिनको आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, मम्मी के दीदी जीजा जी। तो हम लोग आए हैं अभी मंदिर, प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, फिर इसके बाद चलेंगे मंदिर और आपको भी कराएंगे दर्शन। पहले आपको एक बार मौसम के दर्शन करा देते हैं। ये देखिए दगड़ियों, कितना ख़तरनाक मौसम हो रहा है, पूरा कोहरा कोहरा, इतनी ठंड हो रही है। ये है माँ कोटगाड़ी का गेट, एंट्रेंस गेट। यहाँ भी दुकानें हैं और जीजा जी आगे, मतलब ताऊ जी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बजाते हैं घंटी। अरे अरे रुक जा रुक जा। कितना सुंदर बना रही है दगड़ियों, मैं तो आज ही आ रही हूँ, ये घंटी जब से लगी है आज ही देख रही हूँ मैं। करीब मैं कितने 8-9 महीने बाद आ रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, काफ़ी चेंजेस आ गए इधर। और ये नहाने के लिए यहाँ पे, अरे इस पर भी छत डाल रही, मैं तो आज ही देख रही हूँ, यहाँ पे छत नहीं थी पहले। क्या हुआ, कुछ छत में दगड़ियों। अब यहाँ पे हम हाथ पांव धोएंगे, देखिए अभी तो हम सुबह सुबह ही आ रखे हैं। अभी यहाँ शायद भीड़ कम ही देखने को मिलेगी हमको, बट थोड़ी बहुत तो होगी क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है, तो अभी तो कम ही दिख रहे हैं यहाँ, कोई लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। देखते हैं अंदर जाके कैसा होता है। तो दगड़ियों हम आ चुके हैं अंदर भी,
तो दगड़ियों अब हम दर्शन करके जाने लगे हैं घर को। अच्छे से दर्शन हो भी गए हमको। एक बार तो इतनी भीड़ हो गई थी, हम ऐसे जाने वाले थे, बट फिर हो ही गए जैसे तैसे करके। और काफी अच्छा भी लग रहा है। ताई जी को कैसा लग रहा है? ताई जी को जरूरी करने थे दर्शन। अच्छा लग रहा है। शनिगाड़ भी जाना है, इसलिए जल्दी हो रही है। हाँ, अभी शनिगाड़ भी जाना है, फिर वहाँ से हल्द्वानी जाना है, इसलिए लेट के चक्कर में हमने सोचा दर्शन होंगे नहीं होंगे, बट हो ही गए ना। बहुत अच्छे दर्शन होंगे। हाँ, मेरी तो इच्छा पूरी होगी। हाँ, फिर इतना दूर से और दर्शन ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता ना। वैसे तो शाम को किए थे, बट एक बार वो आशिका भी मिल गई, दर्शन भी हो गए, अच्छा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे ताऊ जी यहाँ का गंगा जल भर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और पवित्र माना जाता है दगड़ियों। इसको आप कभी भी मतलब रोग बीमार वगैरह ऐसे कुछ नहीं होते हैं, अगर कुछ ऐसे हो भी जाए तो इसको पी के बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और आशिका भी मिल गई दगड़ियों। मेरे को मिला है केला, केला और फूल वगैरह मिले हैं, और बहुत अच्छा लगा आज नवरात्रि में आके। नवरात्रि में ज़्यादा ही अच्छा लगता है मंदिर में आके। तो अब चलते हैं फिर घर को, और इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि स्पेशली मैंने भगवती मंदिर वाला ही ब्लॉग बनाया था। घर जाके अब अगला ब्लॉग बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, माँ के दर्शन हुए होंगे। अंदर का वीडियो मैं नहीं बना पाई था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, और फिर अंधेरा भी हो रहा था, उतना उजाला नहीं था, तो इसलिए। बाकी आपको जितना भी हो सका मैंने मंदिर दिखाया, तो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब घर को चलते हैं। कहानी चाहिए तो दगड़ियों, ये है भैरव बाबा का मंदिर, आपको पता ही होगा। जहाँ पे माँ का मंदिर होगा वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर होता ही होता है। तो ये मंदिर से थोड़ा सा आगे आके भैरव बाबा का यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे खिचड़ी वगैरह चढ़ाते हैं और यहाँ पे भी दिया जलाते हैं। तो ताज लोग यहाँ पे दिया जला रहे हैं।